बनाया कि काले चने और अग्नि को सरप्राइज देते हैं, पर अनफॉर्चुनेटली उसको सरप्राइज आधे बीच में ही पता चल गया था। हमने सोचा कि काले चने के साथ पूरी बनाएंगे, तो ये फूड क्लिप है ना, ये बहुत काम की चाहिए दोस्तों। मैं बस कंपनी बड़ भी यूज़ करती हूँ। अभी मैं एक और ऑर्डर करूँगी, मैं पानी काफ़ी पड़ गया तो पूरी का आटा गूंद लिया। पूरी मेथी थोड़ी सी सूजी मिलाई थी, सूजी क्या होती है, सूजी में बहुत ज़्यादा पूरी जो होती है तेल नहीं लगती, इसलिए मैंने आटा गूंद के रख दिया। तो लगे तो सोचा कि अदरक लहसुन प्याज क्या होता, तो हम कोशिश करते पहले नॉर्मल टेम्परेचर पे आ जाए और उसके बाद से गैस पे रखें, इससे गैस की बहुत बचत होती है। छोटे छोटे काम है। अब ये यहाँ पर कुछ बर्तन भी रखे थे तो मैंने किचन में सोचा इनको भी साफ कर देती हूँ। तो बस ये चने भी उल गए देखो। हे गाइस, गुड इवनिंग, कैसे हैं आप? और देखिए शाम हो गई है, शाम तो हो ही नहीं है। हाँ। मैंने चने रखे हैं और ना एक सीक्रेट है, अरनी अंदर दूसरे रूम में है, उसे हमने बताया नहीं है क्योंकि वो पहले तो उसका पेट थोड़ा नासाज था, तो दो तीन दिन से उसने कुछ खाया नहीं था, तो अब उसे अब वो थोड़ी सी ठीक हो गई है, तो उसने सोचा कि हमने सफ़ेद छोले बनाए हैं पर हमने काले चने बनाए हैं। पर मेरे दिमाग में आइडिया है कि काले चने के साथ चावल, आजकल उसे टेस्ट चेंज हो गया ना, पहले वो काले चने पसंद करती थी, अब वो काले चने पसंद करती है पर सफ़ेद चने बहुत ज़्यादा, सफ़ेद छोले पसंद, क्योंकि उसमें पानी पानी अलग रहता ना, वो कहती है कि गाढ़े नहीं बनते उसके हिसाब से, तो उसकी फरमाइश को ध्यान में रखते हमने उसके लिए बताया। जब ब्लॉग रिलीज होगा तो उसे पता चल जाएगा, अभी दूसरे रूम में है, तो हमने सोचा कि आज मैंने इससे बोला कि भाई छोले काले चने बनाएंगी, काढ़े काढ़े बनाना और उसके साथ हम बनाएंगे पूरी क्रिस्पी करानी। आप भी मत बताना, आप भी किसी को मत बताना कि हम उसके लिए क्या बना रहे हैं, कैसे ठंड होती है ना इसी वजह से। हाँ, गांव में चाय जो गांव में हम पहाड़ी लोग जो होते हैं, गांव में चाय ना, चाय में दूध हो ना हो, क्योंकि दूध की वहाँ पर हमेशा कमी रहती है, पाउडर वाला दूध यूज़ करते हैं ना, गाय भैंसे अगर है घर में और वो दूध देने वाली है तो दूध मिल जाएगा, नहीं तो वो पाउडर वाली चाय। फिर पानी की शॉर्टेज होती है तो गांव गायों के लिए भी पानी चाहिए होता है, तो पानी सॉरी गाय कम रखते हैं लोग, तो उनकी हाँ उनकी चाय में चीनी ज़्यादा होती है, चीनी से एनर्जी मिलती है, और वो खाते गट्टे होते नहीं क्या, चीनी के गट्टे कुंजे कुंजे हाँ कुंजे कुंजे खाते वो गोल होते हैं, तो उन्हें पता होगा। हाँ, जो पहाड़ी लोग हैं उन्हें तो पता होगा। पर जब हम गांव जाते थे तो हमें बड़ा बेसब्री से इंतज़ार होता था, जैसे चाचा जी जाते थे गांव तो कुंजे लेके आते थे और प्लास्टिक के छोटे छोटे पैकेट होते थे उनमें मिलते थे कुंजे। अभी मिलते कुंजे, अभी भी मिलते। हाँ, मैंने देखा था ना, बहुत ज़्यादा शायद हमने खाए संदन उसको ना, काट काट के चाय के साथ खाते हो तो बहुत अच्छे लगते हैं। हाँ, अच्छे लगते हैं। तो यहाँ चल रही है हमारी, ये देखिए समोसे, ये रहे, खाइए आप भी, देखो गरम गरम धुआं उड़ता हुआ। कैसी हो रही है अन्ना, कचौड़ी कैसी हो रही है? कचौड़ी बहुत टेस्टी हो रही है, गले में मिर्ची लग गई, अब खांसी आएगी मुझे, नहीं कर दो गंदी बच्ची रहेगी। कचौड़ी अच्छी लगती है, बोलो इधर इधर बैठ जाओ, जाके काम करने। मैं क्या बना रही हूँ, काले इसमें दोस्तों मैंने प्याज लहसुन और अदरक और थोड़ा सा जीरा, थोड़ा सा मैंने साबुत धनिया, उसको मैंने भिगा के रख लिया था पहले से ही, और उसको पीस के मैंने इसको थोड़ा सा भून लिया है। अब ये थोड़ा सा फैल जाएगा तो मैं इसमें डालूँगी अपना इसका पेस्ट, टमाटो पेस्ट। बनता है अच्छा अच्छा पानी, इसमें थोड़ा सा नमक, नमक कम है इसमें, मेरा दिल ये पुकारे आजा मेरे गम,
कितने टमाटर डाल दिए? एक ही है, ये बड़ा टमाटर था। तो दोस्तों इसमें मैंने सारे मसाले डाल दिए हैं, अभी मसाला थोड़ा पकता रहेगा। दोस्तों देखिए ये मेरा बन गया मसाला, इतना अच्छा लग रहा है ना। इसको डाल दूंगी इसमें। थोड़ा सा इसको मैं ऐसे मैश कर लूंगी, थोड़े से लेके जैसे कि ग्रेवी है वो गाढ़ हो जाए। आप प्लीज उसको बताना मत। अब मैं उसके लिए गरम गरम सर्व करूंगी, मैं फिर अन्नी को बुलाऊंगी, फिर देखते हैं उसका रिएक्शन। देखिए ये है हमारी थाली, ये है आज की थाली, ये हमारी बाबा की थाली, अर्नी की। सरप्राइज कैसा लगा आपको? अच्छा दोस्तों ये है थाली, दिखाइए थाली में क्या है। कैसा लगा आपको? वो अच्छा, तो हम पास हो गए हैं। तो सर आपको आज का डिनर कैसा लगा? सर ये हमारे आज का स्पेशल डिनर है, स्पेशल थाली है, जो कि एक सरप्राइज हुआ है। मुझे बुला तो नहीं अच्छा लगा, मुझे सरप्राइज सरप्राइज ही अब आते इसमें मेरे पास पे आते। सो फ्रेंड्स आई होप आपको आज का ब्लॉग अच्छा लगा होगा। प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब आवर चैनल एंड शेयर इट विद योर फ्रेंड्स। वी मीट यू गाइस इन द नेक्स्ट वीडियो। Till the time, bye, stay safe, stay happy and spread cleanliness. Bye.